So in the last lecture, we are discussing about third super heterodyne receiver, which is an amplitude modulated receiver. And in this lecture, we are discussing about the different characteristics of radio receiver. So first of all, the characteristics, first characteristics of a radio receiver is sensitivity. So sensitivity क्या होता है? Sensitivity वो receiver की sensitivity अगर आपको बोला कि क्या है? How do you define the sensitivity of receiver? तो उससे इसका ये मतलब होता है कि the minimum RF signal level receiver को जो minimum RF signal level जो detect करता है input में, ठीक है, जिसके वजह से वो एक आगे जाके demodulated उसको इतना information मिल जाए कि वो demodulation कर सके उस signal का जो भी receiving हो रहा है. Receiver क्या कर रहा है? Receive कर रहा है क्या? Amplitude, कोई amplitude modulated signal. तो sensitivity defines the minimum RF signal level that can be detected at the input of the receiver and produce a usable demodulated information signal with a minimum acceptable signal to noise ratio. Okay, इसका मतलब जो minimum जो हम जो RF signal level जो है उसको detect करता है और उसको demodulation करेगा आगे, तो वो जो sensitivity जो sense कर रहा है इसको incoming जो minimum RF signal level को उसको हम कहेंगे उस रिसीवर का सेंसिटिविटी. तो अगर ये हम प्लॉट के थ्रू देखें तो अगर हम रिसीव इनपुट अगर हम वाई एक्सिस में लेते हैं और इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में लेते हैं तो हमने क्या बोला? मिनिमम आरएफ सिग्नल लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड एट द इनपुट. ठीक है, अगर हम इसको सपोज 535 और ये इसके बीच में लेते हैं 1605 फॉर इट इज अ रेंज ऑफ दिस एएम रिसीवर, सेंसिटिविटी कर्व ऑफ दिस एएम रिसीवर. वी आर स्टडीइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सो आई एम कंसीडरिंग द एएम रिसीवर. सो इट इज अ सेंसिटिविटी कर्व ऑफ एएम रिसीवर. तो ये जो मिनिमम आरएफ लेवल है, ये क्या? रिसीव इनपुट है, जो इनपुट आ रहा है रिसीवर में. ठीक है, तो ये जो मिनिमम जो आपका जो इनपुट आया है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इनपुट ये इसमें आ रहा है जो रिसीवर के अंदर, तो वो जो आरएफ इनपुट इस पॉइंट में ये क्या है? मिनिमम है. तो रिसीव इनपुट मिनिमम है तो यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी होगी हाईएस्ट, और जैसे ये बढ़ेगा इट विल बी सेंसिटिविटी लोएस्ट. ठीक है, यहाँ ये लोअर हो रहा है. तो टिपिकली जो सेंसिटिविटी जो कमर्शियल ब्रॉडकास्ट बैंड एएम रिसीवर की होती है वो 50 माइक्रोवोल्ट होती है. ठीक है, सेंसिटिविटी, तो ये सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि दैट विल बी मिनिमम आरएफ सिग्नल लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड एज इनपुट ऑफ द रिसीवर टू प्रोड्यूस अ यूजेबल डीमॉड्यूलेटेड इंफॉर्मेशन सिग्नल विद अ minimum acceptable signal to noise ratio. Of course, signal to noise ratio is an important parameter. So minimum ताकि उस तरीके का हम उतना minimum RF input आए जाके हम information को retrieve कर सके efficiently. Second characteristics is selectivity. तो selectivity as name suggests, जी मैंने आपको पहले ही बताया कि receiver का वो ability select करने की ability, ठीक है, कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बैंड फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करे और जितने भी अनवांटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी रिजेक्टेड. अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो ग्राफ के थ्रू अगर एटेन्यूएशन का ग्राफ बनेगा हमारा सिलेक्टिविटी का ग्राफ बनेगा हमारा एटेन्यूएशन और दिस फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि क्या हम क्या कर रहे हैं, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे और जो अदर बैंड ऑफ जो अनवांटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज है वी विल बैंड दैट, वी विल ब्लॉक और रिजेक्ट ऑल अदर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी. तो एटेन्यूएशन जो होता है वो हमारे डीबी में होता है, तो ये अलग अलग डीबी में हमारे होंगे, सपोज करो 0, 20, 40, 60 अप टू 100. ठीक है, तो सपोज करो ये जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा है. ठीक है, तो ये जो इसका मतलब क्या है, यहाँ सिलेक्टिविटी जीरो, मतलब ये जो है यहाँ सिलेक्टिविटी क्या है, ये जो रिसीवर है इट विल बी ट्यून्ड एट दिस 950 किलोहर्ट्ज़. इफ इट इज 950 किलोहर्ट्ज़ हियर
तो रिसीवर इज ट्यून्ड एट 950 किलोहर्ट्ज, मतलब जो 950 किलोहर्ट्ज का जो होगा, 950 किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को पास करेगा ये रिसीवर, क्योंकि इसमें एटीन्यूएशन क्या है, जीरो है। एटीन्यूएशन समझ रहे हो आप, रिडक्शन ऑफ पावर पावर लेवल एज यू ट्रेवल द एज वेव प्रोपागेट्स देयर विल बी रिडक्शन ऑफ इट्स पावर, और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है उसका रिड्यूस होता है, डिस्टॉर्ट नहीं, डिस्टॉर्शन इज समथिंग डिफरेंट, एटीन्यूएशन इज रिडक्शन ऑफ इट्स पावर लेवल। तो एटीन्यूएशन और डिस्टॉर्शन में कंफ्यूज मत होना, एटीन्यूएशन इज डिफरेंट थिंग, डिस्टॉर्शन इज डिफरेंट थिंग, डिस्टॉर्शन इज कम्प्लीटली चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एटीन्यूएशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि एज डिस्टेंस अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं तो चैनल के थ्रू जब पास होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर लॉन्ग डिस्टेंस चैनल है तो वो क्या करेगा, जो जिस पावर से आपने भेजा है वो पावर, जो सिग्नल की जो पावर है दैट विल बी डिक्रीज विद विद डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिलेक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू एक्सेप्ट अ गिवन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड रिजेक्ट ऑल अदर। अब देखो 950 किलोहर्ट्ज अगर ये है, इससे आगे जा रहा है या इससे पीछे जा रहा है, तो एटीन्यूएशन बढ़ रहा है। एटीन्यूएशन सबसे मिनिमम किसमें है, इसमें है, मतलब जो रिसीवर है ये वो ट्यून्ड है 950 किलोहर्ट्ज में, मतलब 950 किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल है उसी को वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसी को वो एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है, एटीन्यूएट कर देगा सब लेवल को, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एज वी ऑल हैव सीन दैट that there is a various, there is a lot of signal passing through the same channel, ठीक है। तो if you want to select a particular the carrier frequency, because the message signal is superimposed on the carrier signal, उस frequency को हमने retrieve करने के लिए हमें selectivity की जरूरत पड़ती है कि वो उसी frequency को करेगी, जो हमारा information अगर 950 kilohertz carrier में आ रहा है तो उसी वही signal चाहिए हमें, ना कि हमें जो 1200 kilohertz में अगर कोई अगर carrier signal है तो उसमें भी information आ रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम receiver को tuned करते हैं, इस 950 kilohertz में tuned कर दिया, तो इसके ये जो signal है यही आएगा, बाकी को क्या करेगा, ये attenuate कर देगा। तो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ सिलेक्टिविटी कर्व ऑफ दिस एएम रिसीवर, ओके, दिस इज अ सिलेक्टिविटी कर्व ऑफ एएम रिसीवर। सो नेक्स्ट इज फिडेलिटी, व्हाट इज फिडेलिटी, फिडेलिटी इज द एज द नेम सजेस्ट रिप्रोडक्शन, द रिसीवर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा पूरी रिसीवर जो आउटपुट में, रिसीवर आउटपुट में हमें हमें प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो कितने अच्छे से प्रोवाइड करता है रिसीवर, ठीक है, इट इज अ रिसीवर आउटपुट, सो इट इज अ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, अगर ये 50 हर्ट्ज यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हमारा जो रेंज है, हमारा जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाइक कर रहा है, तो इतनी सब फ्रीक्वेंसी के हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एटीन्यूएशन जो है इन दिस फ्लैट पोर्शन, एटीन्यूएशन इज मिनिमम, ओके, एटीन्यूएशन इज मिनिमम। और यहाँ पे क्या, रिसीवर आउटपुट आप देख रहे हैं, तो रिसीवर आउटपुट एक कॉन्स्टेंट है, ये फ्लैट रिस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब इन दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन द मैसेज सिग्नल इज देयर, so attenuation is minimum here and otherwise it is it will be attenuate so, other than that frequency, so isko fidelity bolte hain, it is the ability to reproduce modulating signal frequency of the original information, so yahan pe flat ka matlab attenuation, so fidelity ye iska matlab hota hai ki reproduction of this exact all modulating frequency at the output, receiver output। नेक्स्ट इज एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी, ओके, तो इसका मतलब एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, आप देख रहे हैं कि एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी का मतलब मैंने आपको बताया कि इट विल सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ रिसीवर
to accept a band of frequencies जो हमारे काम की है and reject all unwanted signal frequencies. Okay, तो adjacent channel selectivity जो है, ये selectivity तो आप समझ में आ गया. Adjacent channel का मतलब क्या है? अगर दो channel है, ठीक है, एक एक दो channel है, एक channel में हमारा propagate हो रहा है message, दूसरे channel में भी क्या हो रहा है, दूसरा message signal propagate हो रहा है, और दोनों के frequency आगे पीछे है, पास पास है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लोज है, तो एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी वो प्रोसेस है जब जब ये इस पे इंटरफेयर करेगा. अगर अगर हमें सिर्फ ये वाला इनपुट चाहिए, लेकिन हम ये जो दूसरे चैनल में जो आ रहा है तो ये इसको इंटरफेयर करेगा, और वो तब रिसीवर को देखना पड़ेगा कि हमारी सिलेक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए कि ओनली दिस सिग्नल कैन बी द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. जो हमारा है उसी सिग्नल को हम क्या करें, सिलेक्ट करें. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी और डबल स्पॉटिंग. ओके, सो इट विल पिकिंग अप ऑफ दिस वेव. ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो भी हमारा सिग्नल है एट टू नियर बाय पॉइंट ऑन द रिसीवर डायल. ठीक है, तो ये अगर ये दोनों अगर ये इंटरफेयर हो जा रहा है, ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये हो सकता है कि इट विल बी ड्यू टू पुअर फ्रंट एंड सिलेक्टिविटी. ठीक है, तो फ्रंट एंड ऑफ रिसीवर डज नॉट सिलेक्ट डिफरेंट एडजेसेंट सिग्नल वेरी वेल. ठीक है, सो बट इन केस ऑफ हमने सुपर हेट्रोडाइन देखा था, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर. In super heterodyne receiver, IF stage, intermediate frequency stage, eliminating almost all of them, because there we can fix the frequency. Okay, so in that way we can easily, discard this different this adjacent signal. Okay, and this double spotting may also be used to calculate the intermediate frequency of unknown receiver. Okay. So this is, I think you understand it, what is adjacent channel selectivity, as the name suggests, that we will select the we have to select the our channel, what we have in our in the message signal, and otherwise it will be discarded. But front end due to but poor front end selectivity of receiver caused this adjacent channel selectivity. Theek hai. Second is next is image frequency. So image frequency, as I have told you this previously also in super heterodyne receiver, that the image frequency defined as the received signal plus twice the intermediate frequency. I have told you the intermediate frequency. So it will be, what will be image frequency? It will be this received signal frequency. Suppose this is the received signal frequency plus twice of intermediate frequency plus this. Okay, so it is known as image frequency. And this second one is image frequency rejection ratio. So image frequency rejection ratio of an image frequency signal by this single tuned circuit may be defined as the ratio of gain at the signal frequency to the gain at ratio of, this is the ratio of gain at signal frequency. There is a gain at signal frequency to the gain at image frequency. Image frequency जो ऊपर बताया, this it is a receiving frequency, but we have received signal frequency plus twice of intermediate frequency, twice of intermediate frequency. Okay, so if it is, suppose if we want to do this for intermediate frequency, suppose FL minus FS is down conversion, we are with the help of mixture we have both difference and both summation, some frequencies there. So when mixer is doing subtraction of frequency, then we have down conversion. Otherwise when it is do the addition, it will do the up conversion. Okay, and FL is
here FL is, what is FL? FL is the local oscillator frequency, and FS is incoming signal frequency. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि सुपर हेटरोडाइन रिसीवर जो मिक्सर होता था ऐसा आता था, मिक्सर है यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर होता था, ठीक है, मिक्सर होता था यहाँ पे, आरएफ एम्पलीफायर होता था ये एंटीना के थ्रू जो रिसीव करेगा, फिर ये जो सिग्नल था यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो लोकल ऑसिलेटर एफ एल है ये, और ये रिसीव सिग्नल जो एफ एस है, तो यहाँ जो आएगा मिक्सर के बाद, मिक्सर कंसिस्ट ऑफ नॉन लिनियर डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर, ओके, एंड इट विल गिव्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल द हार्मोनिक्स. तो इस केस में क्या होगा, ये जो इसका आउटपुट है, ये मैंने लिखा है कि इफ इट इज अ सब्ट्रैक्शन देन इट इज अ डाउन कन्वर्जन, इट इज अ एडिशन देन इट इज अ अप कन्वर्जन, ओके, एंड आई हैव ऑल ऑफ यू नो इट इज अ जो लास्ट में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, यहाँ पे जो आता है यहाँ पे क्या आएगा, इट इज, ये हमने पढ़ा है सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में, ठीक है. तो इन दिस आई एफ इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या था, क्या निकाला था हमने, इमेज फ्रीक्वेंसी इज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ एस प्लस टू ऑफ आई एफ, ओके, एफ एस इज सिग्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, दैट वी हैव सीन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल इज ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, देन दिस इमेज फ्रीक्वेंसी विल बी माइनस ऑफ टू आई एफ, देन इट विल बी माइनस, ओके. If frequency fs is greater than frequency receive signal is greater than fs is greater than this fl local oscillator, okay. So मैंने आपको बताया ये जो formula था क्या है, image frequency rejection ratio, it will be the ratio between gain offered by tuned amplifier to fs and gain offered tuned amplifier to fsi. जो इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो होता है, दैट विल बी गेन ऑफर्ड बाय ट्यून एम्पलीफायर टू एफएस, जो हमारा रिसीव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एंड गेन ऑफ ट्यून एम्पलीफायर, गेन ऑफ दिस ऑफर्ड बाय ट्यून एम्पलीफायर विच इज ट्यून टू दिस इमेज फ्रीक्वेंसी. तो ये जो गेन होगा, दैट इज गेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो. ये जो हमने था गेन एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी और गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो जो ट्यून्ड होगा, जो जो हमारा जो एम्पलीफायर होगा, दैट इज ट्यून टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तब गेन क्या होगा, डिवाइडेड बाय गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी, जब हमारा जो हमारा ट्यून जो होगा रिसीवर, वो होगा इमेज फ्रीक्वेंसी पे. इन दोनों का जो गेन होगा, दैट विल बी इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो, ओके. सो दिस इज all the characteristics of this radio receiver, characteristics are sensitivity, selectivity, fidelity, adjacent channel selectivity, and image frequency rejection ratio, okay.